हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सिंपी रॉब एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे गाड़ी में जो आरपीएम है ये फ्लक्चुएट हो रहा है। जैसे स्टार्ट करते 1300 के आसपास से फिर 1100 आ रहा है, और गाड़ी का जो साउंड है ये भी बहुत ज़्यादा है, तो आज उसी का हम डायग्नोस करेंगे। तो इसके लिए हमें थ्रॉटल बॉडी को क्लीन करना पड़ेगा, तो थ्रॉटल बॉडी को क्लीन करते चलिए फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, इसका जो आरपीएम है 1100 से ऊपर है। अभी हमने स्टार्ट किया था तो 1100 से ऊपर है, और चलो बोनेट पे जाके देखते हैं। फ्रेंड्स आप सुन रहे होंगे, देखो इसका जो गाड़ी का जो साउंड है बहुत ज़्यादा हेवी लग रहा है। चलिए इसको ड्राइव करते हैं। फ्रेंड्स, गाड़ी में कोई भी काम करने से पहले इसका जो बैटरी का नेगेटिव पॉइंट है इसको हटा लेंगे, और इसको एयर फिल्टर को निकाल लेंगे। एयर फिल्टर निकालने के लिए जो बोल्ट है और जो पाइप है इसको निकाल लेंगे, और एक कपलर है वो भी निकालना पड़ेगा। बोल्ट निकालने के बाद ये आराम से ये जो एयर फिल्टर बाहर निकल जाएगा, और इसको साइड में रख देंगे। अभी मैं दोबारा इसका जो बैटरी को कनेक्ट कर रहा हूँ, ताकि बगैर एयर फिल्टर का इसको स्टार्ट करके देखते हैं इसका आवाज़ कैसा आ रहा है। मैं ऑलरेडी इसका जो एयर फिल्टर है इसको खोल के रखा है, और मुझे डाउट लग रहा है थ्रॉटल बॉडी का। और थ्रॉटल बॉडी का मैं ऑलरेडी स्प्रे से पीरियडिकली क्लीन करता रहता हूँ, इसलिए ये यहाँ से तो एकदम क्लीन है। आज हम ये थ्रॉटल बॉडी को अंदर से क्लीन करके देखते हैं, तो मुझे तो डाउट इसी का लग रहा है। अब देखिए इसका जो वाइब्रेशन है ये कहीं जैसे लग रहा है कि मिसिंग जैसा लग रहा है। अब देखिए ऐसा रुक रुक के वाइब्रेशन कर रहा है, तो इसी को हम डायग्नोस करेंगे आज। तो इस थ्रॉटल बॉडी को ओपन करेंगे, ओपन करके इसको क्लीन करके देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रेंड्स, मैं ऑलरेडी इसका थोड़ा सा खोल दिया हूँ, इसका नट लूज़ कर देंगे और ये बाहर आ जाएगा। बाहर आने के बाद ये यहाँ से निकाल लेंगे, तो ये एक्साइटर केबल फ्री हो गया। बाकी इसको निकालते हैं। इसको खोलने में थोड़ा सा एक हाल से काम कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा स्लो हो रहा है। चलिए ये हो गया, ये अपना ये थ्रॉटल बॉडी निकल गया। ये देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा इसमें गंदा तो लग ही रहा है, तो इसके लिए इसको हम मैन्युअली क्लीन करेंगे, मैन्युअली क्लीन करके लगाएंगे इसको। तो ज़्यादा कुछ गंदा तो नहीं लग रहा है। चलिए फ्रेंड्स, अभी इसको क्लीन करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, ये अपना जो थ्रॉटल बॉडी को मैं खोल के लेके आ गया, अभी इसको क्लीन करते हैं। तो इसका जो गैस्केट है इसका भी बुरा हालत है, देखते हैं इसका निकाल के क्लीन करेंगे। और इसका गैस्केट ठीक नहीं है तो गैस्केट चेंज भी कर देंगे, ऐसे कंडम ही हो चुका है। देखिए इधर पूरा गंदा है, इसका पूरा क्लीन करके ले लेंगे। आगे से हम लोग स्प्रे मारा था, स्प्रे में एकदम क्लीन है, बाकी यहाँ अंदर की तरफ यहाँ भी थोड़ा गंदा लग रहा है, तो ये भी खोल के देखते हैं। चलिए करते हैं। हालांकि और कुछ सेटिंग होता नहीं है, रबर सब फैल चुका है, रबर भी देखूंगा अगर नया मिलेगा तो मैं नया लगा दूंगा। और ये देखिए अंदर पूरा काला काला हो चुका है, तो इसको हम क्लीन करते हैं। और ये जो है इसको भी हम खोल लेंगे, इसके लिए एक स्पेशल टूल लगेगा, क्योंकि यही जो सेंसर है ये हमें रीड करके बताता है कि
इसका आरपीएम कितना है क्या करके, तो ये भी गंदा है तो इसको भी हम क्लीन कर लेंगे। लीजिए दोस्तों, ये क्लीन हो गया और अंदर तक बढ़िया से क्लीन कर लिया। ये देख लीजिए, एकदम परफेक्ट है। और टोटल बॉडी भी देखिए, एकदम क्लीन है। और ये भी एकदम क्लीन है। इसका तो गंदा नहीं है, ये जो बॉडी जो हल्का सा जो घिसा हुआ है उसका है ये, बाकी गंदा का निशान नहीं है, बाकी पूरा क्लीन है। और देखिए ये जो पार्ट है जो यहाँ का, ये भी एकदम क्लीन है। अभी हम ये जो पुराना गैसकेट है, ये अभी मैं नया लेके आया हूँ तो इसको लगाएंगे। देखिए ये इससे पहले कोई पेट्रोल से साफ़ किया लग रहा है, मैं पहली बार इसको खोल रहा हूँ। तो कोई भी रबर जो है पेट्रोल से साफ़ करने से वो थोड़ा सा फूल जाता है, तो इसलिए ये ओवरशेप हो गया। देखिए एकदम आउट मार रहा है, देखिए इतना गैप, ये फैल गया ये, इसलिए मुझे दूसरा लाना पड़ा। वो ये दूसरा का फिक्स कर देंगे, एकदम परफेक्ट बैटर है, तो अभी इसको हम फिक्स कर देंगे। चलिए दोस्तों, तो फिक्स करने से पहले इसमें हल्का सा ऑयल डाल लेंगे। कोई भी रबर लगाने से पहले उसमें हल्का सा ऑयल लगा देंगे ताकि वो अपने जगह पे सही से जाके बैठ जाए, कोई खिंचाव से कोई रबर को डैमेज नहीं होना चाहिए, इसलिए इसको हल्का सा ऐसा लगा लेंगे। ज़्यादा तो ज़रूरत नहीं है बस, अगर कोई मेटल पार्ट में अगर फ्रिक्शन हो रहा है तो वहाँ आराम से जाके ये बैठ जाएगा बगैर कोई प्रॉब्लम का। ये देखिए ये हो गया, अभी ऑयल का और ज़रूरत नहीं है। सिलिकॉन पेस्ट भी लाया हूँ, ये भी लगा देते हैं। बहुत ही कम लगाने से काफ़ी है, ऑलरेडी इस पर हो रही है, ज़्यादा लीकेज होने का तो चांसेस नहीं है, फिर भी एक एडिशनल प्रोटेक्शन के लिए लगा दिया इसको, उसमें बड़ा बैठेगा। स्क्रू लगा दीजिए, स्क्रू का भी हम थोड़ा सा ऑयल लगा सकते हैं जितना भी स्क्रूज है, उसको लुब्रिकेट करके फिर लगाएंगे ताकि बाद में जाम की प्रॉब्लम ना हो, बाद में अगर कभी खोलना है तो भी ये आराम से खुल जाएगा।
चारों स्क्रू एक नॉर्मल टाइट कर लीजिए, उसके बाद से चार कोने पे इसको टाइट कीजिए। अभी एक एक करके टाइट कीजिए। अब ये टाइट हो गया, सीधा इसका ऑपोजिट में। ये जितना एक्स्ट्रा जो सिलिकॉन पेस्ट है बाहर आ गया, तो बिल्कुल लीकेज का कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तो इसको हम बढ़िया से फिट कर दिया। अभी इसको गाड़ी में लगा देंगे। तो लगाने से पहले इसका भी सेम, इसमें भी हम सिलिकॉन पेस्ट लगाएंगे। लगा के इसके बाद इस गैसकेट को ऐसा लगा के उस पर लगा देंगे, फिक्स कर देंगे। चलिए फ्रेंड्स, जहाँ जहाँ छोटा सा जो पुराना गैसकेट का पीस है उसको निकाल लेंगे ध्यान से, मगर स्क्रैच नहीं होना चाहिए। ये देखिए फ्रेंड, थोड़ा सा इसको हाथ से मैं जितना हो सके उतना क्लीन कर रहा हूँ। देखिए पाला चला आ रहा है। जहाँ तक हाथ मेरा पहुँच रहा है मैं वहाँ तक क्लीन कर रहा हूँ। तो थोड़ा बहुत गंदा जो है, गंदगी जो है निकल रहा है इसका। बस, और ये जो है पेट्रोल का कपड़ा है इसको भी थोड़ा सा मार देंगे। बस ये हो गया फ्रेंड्स, हमारा रेडी है एकदम टोटल बॉडी भी फिट करने के लिए। अब देखिए एकदम क्लीन है, हमने क्लीन कर लिया। ये अंदर भी बहुत क्लीन है, शायद आपको कैमरा में नहीं दिख रहा है मगर अंदर एकदम बहुत क्लियर है। देखिए मैं इसको फिट करता हूँ। क्लीन है, और ये भी हम क्लीन कर दिया टोटल बॉडी को। अब इसका गैसकेट लगा के बस लगा देना है। टोटल बॉडी को हम फिक्स करने से पहले इसमें थोड़ा सिलिकॉन पेस्ट लगा देंगे और उसको अच्छी तरह लगा के फिर ये जो गैसकेट है इसको लगा देंगे और इसके ऊपर फिर दोबारा सिलिकॉन पेस्ट लगा देंगे और गाड़ी में फिट कर देंगे। तो ध्यान से आराम से करिए, कोई दिक्कत नहीं। बोल्ट में थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे ताकि बाद में कभी अगर खोलना है तो भी आराम से खुल सके। लग गया फ्रेंड, अभी जस्ट इसको टाइट करना है। बैटरी का जो नेगेटिव पॉइंट है मैं अभी भी इसको ओपन करके रखा हूँ, अभी इसको नहीं लगा रहा हूँ। पहले इसको कपलर सब लगा देंगे, उसके बाद इसका जो नेगेटिव पॉइंट है वो लगाएंगे। हो सकता है जब हम पहले स्टार्ट करेंगे इसमें चेक इंजन का लाइट हो तो उसको भी हम मैनुअली रीसेट करेंगे। तो ऑलरेडी मैं अपना वीडियो में बताया हूँ मैनुअली रीसेट कैसे करना करके, तो उसको भी चाहिए तो आप जाके देख सकते हैं कि मैनुअली कैसे रीसेट करना करके। अभी इसको टाइट कर लेते हैं। ये एल्युमिनियम का बॉडी है इसलिए बहुत ही ज़्यादा भी टाइट मत कीजिए, जितना ज़रूरत है उतना ही कीजिए, नहीं तो ये स्लिप हो सकता है, टूट सकता है, तो बहुत महंगा खर्चा पड़ जाएगा।
बस। ओके फ्रेंड्स, अब इसका हम कपड़ा लगा देंगे। इसका कपड़ा ये है लग गया, और दूसरा कपड़ा है यहाँ पे, ये भी लग गया। और इसका एक्सीलेटर टोटल केप लगा देंगे। एकदम इजी है फ्रेंड्स, आप एक बार देखेंगे तो ही आपको समझ में आएगा कि कैसा लगाना क्या है। बहुत सिंपल है। एकदम परफेक्ट है। और फ्रेंड्स, पहले इसको स्टार्ट करके एक बार देख लेते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं इसको लगा देता हूँ। अब एक बार इसको स्टार्ट करके देखते हैं। देखिए दोस्तों, अभी गाड़ी को स्टार्ट किया है, मगर पहले से आवाज़ बहुत स्मूथ लग रहा है, बहुत कम लग रहा है, और मुझे लग रहा है कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया होगा। चलिए दोबारा हम पूरा फिटिंग करके उसके बाद फाइनल देखते हैं। अभी इसका बाकी एयर फिल्टर लगाते हैं, उसके बाद फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अभी इंजन स्टार्ट है, कोई नॉकिंग नहीं, कुछ नहीं, एकदम स्मूथ हो गया, आप देख सकते हैं। देखिए इसका बेल्ट भी चल रहा है, गाड़ी स्टार्ट है और एकदम स्मूथ हो गया, पहले से बहुत स्मूथ लग रहा है। ये गाड़ी का अंदर देखते हैं कैसा है। देखिए फ्रेंड्स, एकदम परफेक्ट है। पहले इतना आता ही नहीं था 700-800 में, अभी देखिए एकदम परफेक्ट है। बहुत बढ़िया। अभी एसी चल रहा है, विथ एसी में आप देख सकते हैं, विथ एसी में 800 चल रहा है। अगर मैं एसी बंद कर दूंगा तो भी कोई फ्लक्चुएशन नहीं है, एकदम स्मूथ है, एकदम परफेक्ट है। गाड़ी अंदर बिल्कुल साउंड बिल्कुल ही नहीं है, वैसे भी गाड़ी में मैं मफलर डाल के रखा हूँ, फिर भी इतना कोई नॉइज़ नहीं, कुछ नहीं, आप देख सकते हैं बहुत स्मूथ हो गया। चलिए फ्रेंड, आशा करता हूँ ये जो वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। इस टाइप का छोटा छोटा वीडियो है मैं अपने चैनल में डालते रहता हूँ, इसलिए मेरा चैनल का नाम भी रखा DIY सिंपली रॉप, मतलब DIY मतलब तो आप तो जानते ही हैं, डू इट योरसेल्फ। तो इस टाइप का छोटा वीडियो मैं डालते रहता हूँ, तो मेरा वीडियो को आप सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, अगर पसंद नहीं आया, अगर कुछ कमी है तो पक्का मुझे कमेंट में दीजिए, तो मैं उसको और बेहतर बना सकता हूँ। तो चलिए फ्रेंड, आज का वीडियो इतना ही है, तो फिर मिलते हैं और दूसरा टाइप का वीडियो में। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू।